थोड़ा आगे चल के आपको दो तीन शॉप साथ में दिखेंगी जहाँ पे डेनिम कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। आप डेनिम शॉर्ट्स, डेनिम जीन्स, टार्को कैप्रीज भी ले सकते हैं, और रफ़ जीन्स, कुछ कलरफुल्स लोअर्स मिल जाएंगे आपको, और इन सब के कुछ रीज़नेबल प्राइस ही होगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, और उन कुछ शॉप्स पे फिक्स प्राइस भी है। ये मेरी जनपद मार्केट की फेवरेट शॉप है क्योंकि इस पर टार्डोस पेंट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा हुआ है। आपको अलग अलग प्रिंट्स में मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, और ये टार्डोस मुझे कुछ 700 की बताई थी, लेकिन आप अपनी बार्गेनिंग से कुछ और भी कम कर सकते हैं और ये देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ चेक किया, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स की टैपरीज भी थी, लोअर्स भी थे, तो इनमें से मेरे को एक लोअर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने प्राइस पूछा तो इन्होंने प्राइस मेरे को कुछ 600 बताया था, लेकिन मुझे वो 600 के लाइक नहीं लगा, तो ये लोड लेकिन मुझे 300-400 में देने के लिए रेडी हो रहे थे। तो मार्केट के एंड में तीन शॉप साथ में हैं जो सिर्फ शेड्स की शॉप है, और इनके पास शेड्स के काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे, शेप्स मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे। बस जब ये शेड्स के प्राइस बोलते हैं तो एकदम मुंह फाड़ के बोलते हैं। मैंने एक शेड में तो इतना पसंद आया, मैंने उसका प्राइस पूछा तो उन्होंने मुझे 800 बोला, और लास्ट वो मुझे देने के लिए रेडी हुए कुछ 500-600 में, जो मुझे ठीक नहीं लगा। तो जनपद मार्केट के बीच में राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा ट्रट है, आप जब उस ट्रट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, और उन शॉप्स पे आपको फुटवेयर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी उधर। लेकिन मैं अंदर क्यों जाता हूँ, मेरा तो यहाँ पे कंपलसरी होता है जब भी मैं जनपद मार्केट जाता हूँ, और मैं क्यों जाता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी फेवरेट शॉप पर, इस शॉप का नाम डी पॉल्स है, और ये शॉप फेमस है अपनी कोल्ड टॉफ़ीज़ के लिए। टॉफ़ीज़ के काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स रखे होते हैं इनके पास, ये स्मॉल बॉटल्स में मिलती हैं और फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अपनी फेवरेट टॉफ़ी पीने के बाद मैंने उसी शॉप के जस्ट साइड वाली शॉप से मैंने मोमोज खरीदे, और मैंने ये मोमोज पहली बार ट्राई किए यहाँ के, और वो मोमोज इतने अच्छे लगे मुझे, और चटनी तो इतनी स्पाइसी थी बहुत ज़्यादा। तो आपको भी ये मोमोज एक बार तो ट्राई करने चाहिए यहाँ के।